बस्तर सहित देश भर में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होनी है। धान की खरीदी शुरू होने को 1 महीने से भी कम समय बचा है। इस बीच धान खरीदी की जिम्मेदारी निभाने वाले सरकारी समिति कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सहकारी समिति कर्मचारी संघ की मांग है कि धान की खरीदी के साथ ही धान का उठाव की व्यवस्था प्रशासन की ओर से किए जाए। अक्सर धान का उठाव देर होने के चलते धान सूख जाता है, जिसका खामियाजा सहकारी समिति को उठाना पड़ता है। धान उठाव नियम का पालन सुक्त की जिम्मेदारी विपणन संघ की तैयार करने की मांग एवं सुखद हेतु क्षतिपूर्ति निर्धारित करने की मांग सहकारी समिति द्वारा की गई है। इसके साथ ही प्रासंगिक एवं सुरक्षा व्यय बढ़ाने और धान खरीदी का कमीशन 31 से 50 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की गई है। मांग है, आप लोग क्या करें और आगे क्या करें? हाँ। जी, सहकारी समिति कर्मचारी संभाग बस्तर की प्रमुख 3 मांगे हैं सर। जो धान खरीदी में हम लोग काम करते हैं, सोसाइटी के कर्मचारी, जितना भी धान खरीदी में सुखद आता है उसको मार्क फेड या तो छत्तीसगढ़ सरकार वहन करे। दूसरी चीज, जो प्रासंगिक सुरक्षा व्यय होता है हिमाली रंग सुतली का, बहुत कम पैसा मिलता है, 12 रुपया, उसको बढ़ाया जाए और जो कमीशन मिलता है उसको बढ़ाया जाए। और साथ में हम लोग जो यहाँ बस्तर में एक समस्या है, बस्तर संभाग में संग्रहण केंद्र नहीं है। संग्रहण केंद्र की कमी होने का कारण जो खरीदी कार्य है वो जो है प्रभावित हो जाता है जाम होने से। और बफर लिमिट समाप्त किया जाए, नो बफर लिमिट। समिति जो है पारदर्शन का काम करती है, बफर लिमिट समाप्त करे। और जो मंत्रालय से ऑनलाइन करती है वो समानुपात में सभी जगह ऑनलाइन जो है टीओडीओ कटे समानुपात में। और जो समिति के कर्मचारी आज काम कर रहे हैं सरकार की, कई कर्मचारियों को 15-20 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है, जो सुनेंगे वो दंग रह जाएंगे। और ये सर, ये तत्काल समिति में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सीधी भर्ती बंद करें और सोसाइटी के कर्मचारी से लें। यदि सुखद नहीं देती तो धान खरीदी कार्य से पूरे प्रदेश के कर्मचारी अलग हो जाएंगे। ये केवल बस्तर 7-8 जिले का मांग नहीं है, ये पूरे प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों की मांग है। हम बस्तर संभाग के साथ हैं, हम प्रदेश के पूर्व महासचिव हैं और हम बस्तर संभाग के साथियों के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जब तक सुखद नहीं है, धान खरीदी नहीं होगी और मांग पूरा नहीं होगा, तो यहाँ से बस्तर से हम लोग पद यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री कर जाएंगे। और सुखद नहीं देगा तो धान खरीदी कार्य से पृथक हो जाएंगे। जी, मैं नरेंद्र कुमार साहू, पूर्व महासचिव छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर। बस्तर से जसके तनसेठिया की रिपोर्ट।